क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को अलबेलों की इस धरती के जौहर भी है अलबेले। वंदे विश्व वंदनीय पूज्य मुरारी बापू की प्रेरणा थी शुरू थयेल आजना पवित्र दिवसे मारुति वीर जवान ट्रस्ट सूरत प्रेरित शहीदों ने सलाम सम्मान समारोह में आमंत्रण ने मान आपी उपस्थित रहेल के जेवना पर देश की जनता ने गौरव से तेवा अपना रिटायर जनरल दलबीर सिंह सुहाग जी जेमने जीवन पर्यंत जीवता शहीदी नु बिरुद वर्यू से मळेल से तेवा एंटी टेरिस कोर ना चेयरमैन एमएस बीटासिंह जी आशीष भाई दियोरा और परिमल भाई सावलिया स्वागत कर रहे हैं हम जोरदार तालियों से। आपका स्वागत है बिट्टा जी। हमारे बीच उपस्थित है मेजर जनरल सुनील चंद्रा जी। मैं विनती करता हूं हितेश भाई भिकड़िया और करुणेश भाई राणपरिया को। उपस्थित है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन श्री एमएस बिट्टा जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रसंगोचित उद्बोधन करेंगे माननीय श्री एमएस बिट्टा जी। जब बहादुर जवान किसी मां का बेटा किसी पत्नी का पति किसी बच्चे का पिता जब मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध के निकलता है तो कहता है एक शाम चिरागों में सजा रखी है शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते जान हमने हथेली पे उठा रखी है। यह जवान कहता है और यहां पे वो बहादुर जनरल जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक लकीर को खींच दिया था और कहा था एक गोली पाकिस्तान से चलेगी वो 100 का जवाब देंगे हमारे फौज के वो जनरल सोहेब साहब हमारे वो भाई नानू जी नानू भाई जी जिन्होंने ये परिवार जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए जिनके बच्चे पति शहीद हो जाते हैं उनको परिवार को अपने गले में लगाने का सारी जिंदगी का जिम्मा ले रखा है मैं उनका नमस्कार करता हूं। हमारे और फोर्स के बहादुर जनरल मेहता साहब और मेरे भाइयों और बहनों बड़ी मुश्किल लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ इसमें कोई शक नहीं पर लड़ाई को आसान भी किया जा सकता है अगर हमारे इरादे मजबूत हों कि हमने आतंकवाद को समाप्त करना है हमने पाकिस्तान को करारा जवाब देना है कोई लड़ाई मुश्किल भी नहीं। वो जनरल सुहाग साहब ने बताया जब हमारे 18 जवानों को पाकिस्तान की तरफ से हमारी पीठ पे छुरा खोप करके उनको शहीद किया तो 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस करके हमारे जवानों ने 45 आतंकवादियों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे। मैं मानता हूं इस चीज को कि हमारे जवानों की शहादत बहुत हो रही है और हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बड़े बड़े चैनलों के अंदर ये कहते हैं हमारे टाइम के ऊपर सरकार थी तो इतने जवान शहीद हुए थे
मोदी साहब की सरकार आई तो इतने हुए, 26/11 की घटना हुई, आपके टाइम पे दूसरा कहता है दीनानगर की घटना हुई। इन पॉलिटिकल पार्टियों को पूछना चाहता हूं, इस कड़क गर्मी के अंदर, दिसंबर की कड़क सर्दी के अंदर, जब हमारे जवान बर्फों के अंदर समाधि ले लेते हैं, जरा जवान की बंदूक का हाथ लगा के देखो, आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे। और जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की समाओं की रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। जवान की बॉडी खून से लथपथ उसके घर नहीं आती है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके पिता, उनका परिवार इंतजार करता है। और हम राजनीतिक लोग चैनलों के अंदर 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते एक दूसरे के ऊपर, और पाकिस्तान को बता देते अपने दुश्मन को कि हम राष्ट्र के लिए एक नहीं हैं। नानू भाई तो एक है, नानू भाई के ट्रस्टी तो एक है, इतना बड़ा ट्रस्ट, वो तो मातृभूमि की रक्षा के लिए एक है, पर हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक नहीं है, और वो पाकिस्तान हमारा तमाशा देखता है। क्या अकेले नानू भाई जी का ट्रस्ट, उनके दोस्तों का बनाया हुआ खून से जो ट्रस्ट, क्या ये वही जिम्मेदारी उठाएंगे? उनके परिवार इंतजार में होते हैं, एक मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है। भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस भारत के अंदर। और हमारी कई पॉलिटिकल पार्टियां वहां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो कहां राष्ट्र सुरक्षित रहेगा? हम राजनीतिक लोग, हम आज सत्ता में हैं, कल सत्ता में आएंगे, अगर हमारे विचार राष्ट्र के खिलाफ होंगे तो राष्ट्र कभी बच नहीं सकता। अपने जवानों के खून से लथपथ वो बॉडी देखी है, और बाद में उन जवानों के शरीर के दर्दें देखी हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, टाइम बहुत मैंने ले लिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और जनरल साहब को मैं बहुत सलूट करता हूं आपकी तरफ से, पूरे राष्ट्र की तरफ से। और नानू भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं आज भावुक हूं, क्योंकि मैं सोचता था कि हम दुनिया से जब चले जाएंगे, कभी सरकारों ने तो मदद का ऐलान किया, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन परिवारों की देखरेख करेगी? नानू भाई जी 200 करोड़ की बात करते, मैं दावे से कह सकता हूं, भगवान करे हमारे देश के अंदर कभी मुसीबत ना आए, पर कभी देश के अंदर मुसीबत आई, 200 करोड़ नहीं, ये वीर बहादुर ट्रस्ट, ये नानू जी के दोस्तों का ट्रस्ट 1000 करोड़ रुपया भी इन जवानों के लिए अपना सब कुछ बेच के निछावर कर देगा, ये मैं दावा करता हूं। अब हमें यकीन है, हम बोनस की जिंदगी में चले भी जाएंगे हमें दिक्कत नहीं है, हमें यकीन है नानू जी ने संभाल लिया है सब परिवारों को। बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखावा है, झूठ है, चलता रहेगा, आखिर में वादा करके फिर जाऊंगा, हे भारत मां तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद।